हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो होता है वो कैसे करेंगे, इनवॉइस नंबर में एक प्रॉपर ऑटोमेटेड इनवॉइस नंबर कैसे जनरेट करेंगे टैली में। ये एक छोटा सा टिप है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो इनवॉइस में जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो इनवॉइसेस है, मैं यहाँ पर देखिए से 1 2 3 दिख रहा है यहाँ पे अभी। और अभी हम लोग जाके एंट्री करके ये प्रीफिक्स और सफिक्स डालते हैं और हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक एक स्टाइलिश नंबर डालेंगे हमारी कंपनी के हिसाब से। जैसे ये कंपनी का नंबर अभी एंटरप्राइजेस है और मुझे लास्ट में ईयर भी चाहिए, तो यहाँ से अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। ये जो ऊपर वाला है ये शॉर्टकट होता है इसका। उसके बाद वाउचर टाइप्स में जाना है और वाउचर टाइप्स में जाने के बाद ऑल्टर में जाना है। देखिए फिर से बताता हूँ, अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप्स और ऑल्टर में जाना है और इसके बाद सेल्स में जाना है। सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक करना है और इधर यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में यस कर देना है। इसको यस करने के बाद ये जो स्टार्टिंग नंबर है ऊपर, ये है आपका वाउचर नंबर। तो ये जो स्टार्टिंग नंबर है यहाँ पर 1 डालना है, जो भी आपका स्टार्टिंग का वाउचर नंबर होगा। और विथ ऑफ न्यूमरिकल पार्ट, न्यूमरिकल पार्ट मतलब वो न्यूमरिक की चौड़ाई पूछ रहा है आपसे। तो ये जो है, अगर समझ लो 10,000 बिल बन जाते हैं आपके पूरे साल में, तो ये आगे 0,0,0 डाल के लास्ट में 1 डाल सकते हो। तो यहाँ पे वैसे ही 0,0,0,0,1 डाल देंगे स्टार्टिंग का पहला इनवॉइस नंबर। और ये प्रीफिल विद 0 मतलब आगे क्या आएगा, तो वही है आगे 0 आएगा, तो वो हिसाब से 0,0 से स्टार्ट होगा 0,0,0,1 वैसे करके। तो यहाँ पे भी यस कर देना है। और एप्लीकेबल फॉर्म में इधर फर्स्ट डेट डाल देंगे अप्रैल का, अप्रैल 2022। और यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 1 ही आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है ऊपर 1। और ये ईयरली बेसिस पे होगा। और एप्लीकेबल ये प्रीफिक्स जो है वो इनवॉइस नंबर के पहले क्या आएगा, तो प्रीफिक्स मतलब जो इनवॉइस नंबर है 1,0,0,0,1 उसके पहले आर ही आएगा। आर ही मतलब ये जो रवि एंटरप्राइज है और ये स्लैश आएगा, तो ये पहले से ही फिक्स कर देते हैं हम लोग। एप्लीकेबल फॉर्म में सेम डेट आएगा 1,4,2,0,2,2 जो डेट से ले रहे हो आप। और यहाँ पर पार्टिकुलर्स में आर ई और स्लैश आ जाएगा। और दूसरा सफिक्स डिटेल्स मतलब ये जो 0,0,0,1 है उसके बाद का, ये आर ई 0,0,0,1 के पहले का है और ये 0,0,0,1 के बाद का होता है ये सफिक्स। इसमें लोग मोस्ट ऑफ द पीपल ये लोग ईयर ही डालते हैं। तो अभी 2022-23 चल रहा है, तो यहाँ पे डेट भी वही लेंगे कौन से डेट से सफिक्स स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेबल फ्रॉम। और यहाँ पे स्लैश करेंगे और 2022-23। तो अभी हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और अभी हम लोग जाएंगे इनवॉइस में, तो इनवॉइस में जाके देखते हैं हमारा नंबर। पीरियड दे देते हैं 1,4,2,0,2,2। आर ई 1,2,0,2,0,22 ये आया हुआ है, कुछ तो गलती की है हमने, 0,0,0 आना चाहिए था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जाके सेल्स, यहाँ पे यस ओके। तो यहाँ पे 5 करना था, देखिए क्या गलती की हमने। ये देखिए मैंने भी आपको बोला था ना 1,2,3,4,5, ये 5 का न्यूमरिक विथ पूछ रहा है वो, तो वहाँ पे मैंने 1 ही लिखा था इसलिए वो गलती हुआ। विथ ऑफ न्यूमरिक पार्ट में 5 डालेंगे, देखिए अभी वहाँ पे 0,0,0,1 आ गया होगा। तो ऐसा एक छोटे से गलती की वजह से टैली नहीं उठा था। अच्छा वो ये गलती हुई तो वो पता भी चल गया सामने सामने कि देखो इस वजह से ऐसा भी होता है। ये देखिए 1,4,2,0,22 से, ये देखिए। तो यहाँ पे सिर्फ 1 आया था क्योंकि मैंने विथ में 1 डाल दिया था, वहाँ पे मैंने जैसे ही फाइव किया तो ये देखिए 0,0,0,0 से आया है। अब ये 0,0,0,0 है वो भी स्टार्टिंग में, ये भी देखिए चेंज करके आपको बताता हूँ कि वहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये प्रीफिल विद 0 में मैंने यस रखा है, अगर मैं इसको नो करता हूँ तो क्या होता है, तो वो भी देख लेते हैं। सेल्स यहाँ पे नो करके देखते हैं क्या इफेक्ट होता है हमारे इनवॉइस नंबर पे। डीएस देखो ये पूरा चला गया आगे का,
ये विथ हमने छोड़ी है 5 की, इसलिए वो जगह छूट गई है, बट वो ज़ीरो नहीं आया यहाँ पे। तो ये जब क्रिएट करोगे तो प्रॉपर क्रिएट करना है, अदरवाइज़ ये सब होता है। तो अभी वहाँ पे अगर मैं विथ में भी वो कर दूँगा, वो 5 हटा के 1 कर दूँगा, तो ये खाली पहले जैसा आया था 3 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। हाई अकाउंटिंग इन्फो वाउचर टाइप ऑल्टर सेल्स, और यहाँ पे यस में जाने के बाद ज़ीरो में यस कर देना है, अब प्रॉपर आएगा। और स्टार्टिंग इनवॉइस नंबर और ये सब जो भी मंथ से स्टार्ट होने वाला है वो प्रॉपर रखना है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री करके देखते हैं। देखिए 4 नंबर आ गया। अभी यहाँ पे एक एंट्री ये हमने की है, समझ लो समीर, कुछ भी डाल देते हैं, ये एंट्री हो गई। ये एंट्री हो गई। देखिए 4 नंबर का बिल था ये, अभी देखिए ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा, देखिए 5 आ गया। तो ये ऑटोमेटिक नंबर उठाते रहेगा, और वो प्रीफिक्स और सफिक्स वाला भी सिस्टम हमेशा रहेगा। जैसे RE डाला था, ये फॉर एग्जांपल रवि एंटरप्राइज का है, आपका जो भी कंपनी का नाम होगा उसके 2 शॉर्टकट आगे के ले सकते हो। और यहाँ पे ईयर डाला है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, और ये नंबर आपके जितने भी है, समझ लो 5000 इनवॉइस बनते हैं तो फिर आप 4 ही लेना, 10000 बनते तो 5 लेना। तो वो हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये 4 चीज़ का ध्यान रखना है प्रीफिक्स और सफिक्स का ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर डालने के टाइम। तो फिर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।